नए वर्ष पर पुलिस को चेकिंग के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भिंड के मेहगांव थाना प्रभारी वरुण तिवारी द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि सफेद रंग की गुजरात नंबर कार में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त लोगों के पास हथियार होने की पुलिस को सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में पारस पुत्र चंद्रेश भाई पुरोहित निवासी जोशीपुरा, श्रीनाथ नगर अजीम पुत्र अल्लाह रखा निवासी राव निवासी मनावद, सोहित पुत्र सादिक मियां निवासी मनावद, सभी निवासी गढ़ जूनागढ़ गुजरात के हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पूछताछ में खुलासा किया, उन्होंने एमजीएस कॉलेज के पास से राजेश राजावत उसके साथियों से हथियार खरीदे थे। भिंड से अवैध हथियारों की खेप को खरीदकर गुजरात ले जाते समय तीन तस्कर को मेहगांव पुलिस ने दबोच लिया। इन तस्करों से पुलिस को 11 कट्टे व 5 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं। पकड़े गए हथियारों की कीमत करीब 6 लाख से अधिक आंकी जा रही है। इन बदमाशों की मुलाकात भिंड के हथियार तस्कर से जूनागढ़ गुजरात की जेल में हुई थी। यही बदमाशों के बीच डील हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया राजेश राजावत निवासी नया गांव थाना क्षेत्र का है। उक्त आरोपियों की मुलाकात 3 महीने पहले जूनागढ़ जेल में हुई थी। यहां पर आरोपियों ने गुजरात में हथियार तस्करी को लेकर प्लान तैयार किया था। राजेश ने तीनों आरोपियों से इस दौरान भिंड से सस्ते दामों में कट्टे पिस्टल व कारतूस उपलब्ध कराने का सौदा किया था। खरीदे गए हथियारों की कीमत में पिस्टल 25,000 और कट्टों को 5,000 में दिलाए जाने का सौदा तय हुआ था। बताया जाता है कि यह राजेश मैनपुरी फर्रुखाबाद समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से कट्टा खरीद कर लाता था, जिसे दूसरे प्रांतों में तस्करों को सप्लाई करता था। पुलिस को राजेश व उसके अन्य साथी राकेश उर्फ कालिया जाटव सोनू यादव निवासी दीनपुरा की तलाश बनी हुई है। व्यक्ति जो है वो गुजरात से यहाँ पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए आए हुए हैं, तो इतनी सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरे मैटर को जगदलदा मंडी के पास ये गाड़ी मिली और गाड़ी में करीब 3 लोग पुलिस को मिले। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनसे पुलिस को 11 देसी कट्टे और 5 पिस्टल, इसके साथ 60 जिंदा राउंड, ये पुलिस को इनसे प्राप्त हुए। तो पुलिस ने इनसे ये और जिस गाड़ी में आए थे कुल मशरू का करीब 7.5 लाख रुपए का इनसे बरामद किया है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि इनमें से कुछ जो है वो पुराने बदमाश हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, जिनमें कई संदिग्ध कई गंभीर मामले उनके पंजीबद्ध हैं। वो जब जेल में थे तो यहाँ के एक लोकल व्यक्ति जो वहां पे उस समय किसी अन्य घटनाक्रम में उन्हीं के साथ जेल में था तो उसके संपर्क में आए थे, फिर उसने इनको यहाँ पे हथियार सप्लाई करने की बात बताई थी। उसके बाद जब उसने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए थे और जब उसके पास हो गए थे तब इसने उनको संपर्क करके